टेक्स्टबुक्स है, अच्छा इसके पास है, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी। चलो ध्यान इधर सबका, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, मैं तो सम वाइज सिखाऊंगा तुमको डायरेक्ट। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 1 ध्यान दो। क्वेश्चन 1 में एक ही क्वेश्चन ही दिया है वहाँ पे, तो उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ये दिख रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 2, 4, 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्ट, ऐसा क्वेश्चन है, देखो बहुत ईजी है ये 1.3 तो बहुत ईजी है, सब लोग ध्यान दें एकदम अच्छे समझ में आएगा। सुनो याद है प्रनाउंस कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 2, 4, 5 ऐसा कुछ, इसको ये लाइन को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और ये लाइन को तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको ऐसा, ये बॉक्स बंद नहीं करना कभी, ऐसा नहीं करना, बरा ये अलग चीज़ है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, वो अभी नहीं, वो 11th साइंस में आएगा। अभी ये डिटर्मिनेंट है तुम्हारे लिए, 2x2 का डिटर्मिनेंट है, 2x2, 2x2 क्यों, ये रो है दिख रहा है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, दो रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम्स, इसके लिए 2x2 ऐसा बोलते हैं, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉर्मल तुमको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सुनो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो पहले ऐसा मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है स्लैंट में, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करो, चलो करो मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15, ध्यान दे रहे हो सब लोग, पहले याद है ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई पहले नहीं कर सकते, जैसा मैंने बोला वैसा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, पहले ऐसा स्लैंट मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा, क्लियर है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस, फिर ऐसा मल्टीप्लाई करो, बोलो 8, तो ये हो गया 15 - 8, बोलो कितना 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 7 हो गया, आ गया आंसर, पहला क्वेश्चन, हाँ बस इतना ही, क्रॉस करने का आंसर निकालना है, इजी है ना ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 1 का था, क्वेश्चन 2, अच्छा तुम लिख दो जल्दी फटाफट, पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट ऐसा लिखा है, तब तो ये क्वेश्चन 1 का लिख दो, फाइन, बात नहीं होना चाहिए लेक्चर के बीच में, फाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, देखो इधर ना, इधर भी नाम दे दिया डिटरमिनेंट, फटाफट सॉल्व कराऊंगा मैं एकदम स्पीड में। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ -1, 7, 2, and 4, इसका आंसर निकालेंगे। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 3, -7, 0, इसका भी आंसर निकालेंगे। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ 7/3, 5/3, 3/2, and 1/2, इसका भी आंसर निकालेंगे। चलो क्वेश्चन 2 एक साथ ही खत्म कर दूंगा, करूँ स्टार्ट, फर्स्ट हुआ लिख के सबका, इजी था ना, इजी, अब तुमको आएगा, तुमसे पूछूं स्टार्ट करो अपना सिस्टम, वो एक एक जन ऐसा आंसर देंगे। क्रॉस, पहले ऐसा क्रॉस, माइनस ऐसा क्रॉस, सिंपल है, पहले स्लैंट याद है ना, क्या पहले वाइट दिख रहा, वाइट वाला लाइन उसको मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर ग्रीन वाली लाइन, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, चलो स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा आएंगे, वैसे मैं रैंडमली किसको भी पूछूंगा, सबका ध्यान होना चाहिए, रैंडमली पूछूंगा, पर अब मेरी मर्जी, मैं किसको भी पूछूंगा, कौन बोलेगा पहले, नाम भूमि बोलेगी, भूमि, भूमि पहले ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बोलो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, -4 सही है, बोलो तुमको चाहिए तुम ऐसा मल्टीप्लाई करके, देखो दो ऑप्शन है, ये तो एक ऐसा तरीका जिसको मैंने डायरेक्ट लिखा, तुमको चाहिए तुम ऐसा लिखो -1 × 4, जरूरी है कि डायरेक्ट भी लिख सकते, तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा करना है, ठीक है, तो ये हुआ माइनस, मैं एक ऐसा लिख के दिखाता हूँ, वैसे तो ऊपर अपने डायरेक्ट किया, माइनस ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया बाजू में, नेक्स्ट, हाँ अब ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 7 × 2 लिख देता हूँ, और इसका आंसर तुमको ऑलरेडी मालूम है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वैष्णवी ना, वैष्णवी, हाँ वैष्णवी, -1 × 4, करेक्ट, -4, ये बीच का वाला माइनस साइन, ये तुमको याद है ना बीच वाला माइनस साइन कहाँ से आता है, पहले वाइट वाला क्रॉस करने के बाद खुद से मैं माइनस साइन डालता हूँ, फिर मैं ग्रीन का क्रॉस करूँगा, हाँ तो ये -4 हो गया, ये माइनस साइन खुद का, और 7 × 2 = 14, नेक्स्ट कौन बताएगा, नेक्स्ट आंसर ऐश्वर्या, अच्छे से देख, -18 क्या +18, माइनस बड़े नंबर का साइन तो देखो, माइनस, तो आंसर बोलो क्या आएगा, -18 हो गया, इजी है ना, इसमें क्या हार्ड है, तो बहुत इजी है, नेक्स्ट का या तो हो गया ना, निधि मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल निधि ने मत बन, हाँ बोलो ये ऐसा सिस्टमेटिक करेंगे, बोलो जल्दी इतना टाइम क्यों, 5 × 0, करेक्ट, बाजू में नहीं इधर पूर्वा, 5 × 0, आगे माइनस, हाँ माइनस क्या, -7 ×
सबको समझ में आ रहा है, सब ध्यान दे रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट तुषार, तुषार 5 × 0 0, ये बीच वाला माइनस साइन, ध्यान देते रहो, बात नहीं, ये माइनस साइन था ना इसका, -7। हाँ, और कौन बोलेगा? तुषार बोल दिया ना, साइश, साइश -7 × 3 माइनस, ये माइनस, ये यही -20 क्या, और एक माइनस डालूँ वहाँ पे, ये माइनस, ये सर मैं समझ में आ रहा है, ये माइनस तो ये बीच वाला माइनस है, ये -7 × 3 अलग से आएगा ना -21, अलग से लिखूँ क्या, इसमें ही चलेगा, अलग से लिखना पड़ेगा, -21 माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लो 21, क्या प्लस या माइनस? ओ भाई प्लस आएगा, वो माइनस कैसे आएगा? बोले सर बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन ये नहीं है, सुनो इसके बाद एक स्टेप था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो अब बताओ साइन क्या है बड़े नंबर का, इसके लिए प्लस, सही ना, ऐसे तो होता है। हाँ, तो ये बताने की जरूरत नहीं, चलेगा, ठीक, ये भी हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीनों एक साथ ही लिखना तुम लोग, समझ आया? फिर तुमको ऐसा लग रहा है मुझे जम रहा है तो मेरे साथ पैरेलल लिखोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये स्टार्ट करूँ, करूँ स्टार्ट? हाँ, तो कौन बोलेगा? रुद्राक्ष, नहीं रुद्रांश, रुद्रांश पहले तू बता कैसे, किसको किसको मल्टीप्लाई करूँ ये बता, 7/3 और 1/2, मैं लिखता हूँ, देख 7/3 इंटू इंटू क्या बोल रहा है, 1/2, करेक्ट, चलो ये भी लिख दिया मैंने, करेक्ट है ना, पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाजू में किधर गया वो मयंक, नहीं है, नहीं है, ठीक है, सौरभ माइनस, हाँ आगे बोल, 5/3 बोलना नहीं आजू बाजू कोई, 5/3 करेक्ट, आगे बोल, इंटू 3/2, ध्यान दे रहे हो सब लोग, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग, चलो चलो सबका ध्यान, अभी यहाँ पे आप मैनुअली प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है समझ लो तुम लोग, चलेगा ना। हाँ, मैं आगे इसका आंसर निकालता हूँ, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, आगे निकालते हैं हम लोग इसका आंसर, ये है, सुनो अब इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मालूम है, न्यूमरेटर के नंबर को न्यूमरेटर के नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, चलेगा? बोलो 7 × 1 सब लोग, 7/3 × 2 6, बीच में साइन क्या है? माइनस। एक ऑप्शन और है, देखो दो ऑप्शन बताओ तुमको जो इजी लगे वो बताना, 5 × 3 / 3 × 2 15/6, ये एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से कट होता है, समझ रहे हो क्या? तो 5/2 लिखू ऐसा डायरेक्ट, या तुमको जो तुम जैसा पहले, तुमको ये इजी लग रहा है कि इसके पहले वाला इजी लग रहा है? इसके पहले वाला इजी, चलो बोल तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में मैं आंसर लेके आके दिखा सकता हूँ, बोलो 5/3 = 15 / 3/2 = 6, इसका एक बेनिफिट है क्योंकि दोनों में अपॉन में सेम नंबर है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसके अपॉन में 6 है, इसके अपॉन, तो बार बार क्यों अपॉन अपॉन लिख रहे हो, एक ही बार डायरेक्ट लिखते हैं ना अपॉन में 6, चलेगा? बोलो ऊपर क्या क्या नंबर बताओ, 7 - 5, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे करना, तुम लोग बाजू बाजू में नहीं करना, तुम लोग नीचे नीचे करना, मेरे पास जगह का कमी है इसके लिए। हाँ, नेक्स्ट कौन बोलेगा? रुको मैं जिसको पूछता हूँ, कौन बोलेगा, क्या नाम है? प्रिंस, प्रिंस बोलेगा 7 - 15, वो आजू बाजू कोई टीचर बनने का ट्राई मत करो। हाँ, -8, बाकी लोग क्या बोलते हो? करेक्ट है, छोटा नंबर माइनस, बड़ा नंबर माइनस में आंसर आता है, डरने का नहीं आंसर देने का, रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक है, बोलो कितना? -8/6, ठीक है, अब इसको कट करना है, कौन कट करेगा? कट, ध्रुव कट कर, बोल किसे कट करूँ, जल्दी जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है? टू बोल, टू फोर जा थ्री जा, बोलो आंसर कितना आया? -4/3, तुम्हारे पास टेक्स्टबुक के पीछे आंसर्स भी होते हैं क्या? ज़रा चेक करो, ज़रा देखो आंसर मैच हो रहे हैं क्या, देखो तीनों आंसर चेक कर लो, मैच हो रहे हैं, लिख दो जल्दी फटाफट, हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ईजी है ना, हार्ड नहीं है, नॉर्मल सिखा रहा हूँ अभी, तो बहुत ईजी ईजी कंटेंट आ रहा है अभी फिलहाल, कोई हार्ड नहीं आया कंटेंट इसमें, जल्दी कर दो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तुम लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक, जैसे मैं आगे लिखता हूँ तुम नीचे नीचे लिखना, बराबर ना, तुम जैसे ये स्टेप हो गया, इसके नीचे ये वाला स्टेप लिखो, उसके नीचे फिर -18 का आंसर, बस तुम सिस्टमैटिक, तुम लाइन से आगे नहीं जाओगे, तुम स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे लिखोगे ऐसा, बराबर? हाँ, चलो फटाफट लिख दो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है और इक्वेशंस है क्या? ठीक है, क्रैमर्स, ठीक है क्रैमर्स रूल है, बता देता हूँ, हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी आएगा अभी आगे, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ईजी, थोड़ा सा लेंदी होता है, जो चीज़ लेंदी होती है बहुत ईजी होती है, और जो एकदम जल्दी आंसर आएगा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जल्दी कर दो तो मैं आगे बढ़ूँ फिर, जिसका हो जाएगा क्वेश्चन 3 लिखेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, फर्स्ट एक्सरसाइज सबको आता है ना, बोलो स्टेप 1 क्या था बताओ वहाँ पे,
मैच द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल. सेकंड स्टेप, सेम साइन रहेगा तो माइनस, अपोजिट साइन. सिखाया था ना ऐसा, सिंपल था. मैथ्स बहुत सिंपल होता है, बस तुम ध्यान दो अच्छे से. और जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका आंसर तुम क्रॉस चेक करो, मैं आंसर नहीं देखता. तुम तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक के पीछे से देख लो आंसर क्या है. मैक्सिमम टाइम राइट ही आएगा, कभी कभी हो सकता रहा हुआ तो बोलना, तो मैं आगे बढ़ूंगा. पीछे सब लोग, सबके बुक में रहना चाहिए. फटाफट लिखो सब लोग. लिख रहा ना? अरे तू है, तेरे को देखा ही नहीं मैंने. ठीक है, लिख रहा ना गौरव? आंसर देगा ना साई? आज आंसर देने का. चलो 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 जल्दी स्पीड बढ़ाओ फटाफट. हाँ चलो ध्यान दो. नेक्स्ट तो क्वेश्चन लिख दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं बात नहीं. लिखो क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स मेथड. देखो क्रेमर्स मेथड दिया रहेगा, है ना? क्रेमर्स मेथड CRM. हाँ इधर इधर इधर. हाँ यूजिंग क्रेमर्स मेथड. तुमको ऑलरेडी मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने सिखाया ना. कल वही तो किया था इसके पहले लेक्चर में, वो प्लस माइनस कट वो आंसर आता था, वो वैल्यू पुट करते दूसरे में दूसरा आंसर आता था. वही काम इधर भी करेंगे, बस सेम काम है. तुम उससे करो या इससे करो, लेकिन एग्जाम में अगर क्लियर लिखा है क्रेमर्स रूल तो जो मैं बताऊंगा उससे करना, क्रेमर्स रूल या तो क्रेमर्स मेथड. करते हैं स्टार्ट. चलो क्वेश्चन बताओ. पहला क्वेश्चन क्या है? 3x. मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. ध्यान दो, पहला सब मेरे साथ कोई नहीं करेगा, पहला सब मेरे साथ सब देखो समझो, उसके बाद तुमको मैं टाइम दूंगा और उसके बाद तुमको समझ भी दूंगा करने के लिए. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. चेक कर लो क्वेश्चन राइट है क्या. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. करेक्ट है. चलो ध्यान ध्यान सबका, इधर इधर देखो सुनो. मैं ये इक्वेशन को जितना भी ये जो मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, मैं ये इक्वेशन को ऑलमोस्ट कितना 3, 4, 5 स्टेप में सॉल्व करूंगा. 5 स्टेप्स. जो 5 स्टेप्स इसमें लगेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, 6 के 6 क्वेश्चन में वही 5 स्टेप्स लगने वाले. 5 स्टेप में सम सॉल्व हो जाएगा. 5 स्टेप, सिर्फ 5 स्टेप को ध्यान से समझो क्या क्या है. ठीक है, सिखाऊं? अच्छा तुम्हारा जो इक्वेशन, ऐसा देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इक्वेशन साइड बाय साइड लिखा रहेगा. ऐसा सबसे पहला काम है उसको ऐसा वर्टिकली लिखो. मैंने जानबूझ के साइड बाय साइड नहीं, मैंने वर्टिकल लिखा, इससे बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा काम. समझा? सबसे पहले क्या है, क्रेमर्स रूल में पहले इक्वेशन को वर्टिकली लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करूँ? चलो कितना स्टेप बताया मैंने? 5. ध्यान देना, स्टेप 1 में सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन या तो आंसर जो भी तुम लिखते हो. स्टेप 1, तुमको एग्जाम में 1 स्टेप 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्ट, तुम खाली याद रखो स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 में हम बनाएंगे डी. क्या बनाएंगे? डी. डी मीन्स डिटर्मिनेंट. डी क्या? डी मीन्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे. सुनो अच्छे अच्छे से बैठ, सीधा बैठ, अच्छे से बैठ. डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट कैसे बनता, देखो. क्या तुमको x के कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं? x के कोएफिशिएंट्स बोलो क्या क्या है? 3 और 4. ऐसा वर्टिकल में दिख रहा है ना, तो उसको वर्टिकल में लिखो 3, 4. समझा? क्या तुमको y का कोएफिशिएंट दिख रहा है? विथ साइन बोलना, विथ साइन बोलो -4 और 3. स्टेप 1. इसका आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमने अभी भी सॉल्व किया इसको. ऐसा क्रॉस माइनस ऐसा अभी तो किया था, अभी किया था. बताएंगे? नींद में तो नहीं है? नहीं. ध्यान दे रहे हैं? हाँ. चलो बोलो फिर. पहले मैं डायरेक्ट करूं? हाँ. तुम भी कर सकते हो, तुमको आना लगा अभी. चलो ऐसा ना. हाँ. बोलो 9. फिर खुद से माइनस. फिर ये माइनस ऑफ 16. क्या ये क्लियर है? माइनस माइनस तो 9 प्लस 16 मतलब कितना? हो गया एक स्टेप. स्टेप 1 कंप्लीट. हार्ड था? एकदम इजी. स्टेप 2 कितने स्टेप से बोलो टोटल? 5. 5 के 5 स्टेप तुमने देख ले, तुम्हारा आंसर आ गया. स्टेप 2 चालू करो. चलो अच्छा, बीच में कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तुम बताओ तो चले, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो ये डी हो गया. अब मैं निकालूंगा dx. क्या निकालूंगा? dx. देखो ये dx ऐसा नहीं है, सफिक्स में लिखा है, नीचे लिखा है उसको. समझ में आता है ना? अरे dx ऐसा ऐसा लिखने का, समझ में आ रहा? चलो तो dx करते हैं. अब dx जरा ध्यान से सुनो, dx बनाते कैसे. मेन डिटरमिनेंट बनाना है, डिटरमिनेंट बनाने आ गया फिर सॉल्व हो जाएगा. हाँ तो मैंने क्या लिखा है? डी के साथ एक्स, ये दिख रहा है एक्स. अब तुम लोग अच्छा dx बनाते किससे? सुनो dx में बनाऊंगा d से. d से क्या बनाने वाले हम लोग? d को यूज करके मैं dx बनाने वाला हूँ. और ऐसा लाइन वगैरह तुम लोग नहीं करना, वो मैं तुमको समझाने के लिए किया है. याद है ना ये? हाँ.
वो जो लाइंस था वहां पे वो तुमको समझाने के लिए था, ये वाला बीच वाला लाइंस वाला, ये तुमको समझाने के लिए, क्लियर है? आ जाओ चलो। हाँ मैंने क्या बोला, डीएक्स किससे बनाएंगे, बनाते हाँ एक बार फिर से इसका नाम रिपीट करो, क्या डी एक्स, याद है ये किधर से बनाया था मैंने, एक्स से लिया था, और ये किससे लिया था, जो नाम है ना, जो नाम है वो चीज वहां से डिलीट कर दो, जैसे डी क्या है वो डी एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट्स को डिलीट करो, बाकी लिखो, डिलीट करके लिखो, 3-4 हटाओ, बोलो क्या क्या बचा, -4 और 3, तो तुमने क्या डिलीट किया है, नहीं नहीं क्या, कौन से कोएफिशिएंट डिलीट किए, एक्स क्यों डिलीट किए, क्योंकि वो dx है, अगर dy रहता तो y डिलीट कर देते थे, समझ में? अच्छा डिलीट तो कर दिया, लिखूं क्या उसके जगह पे, उसके जगह पे इक्वल टू के बाद वाला नंबर लिखो वहां पे, समझा क्या? नहीं, डिलीट करने के बाद वहां वो जो जगह खाली है वो जगह पे कौन आएगा, इक्वल टू के बाद का नंबर, बोलो पहला इक्वल टू के बाद का नंबर क्या है, 10, और दूसरे इक्वल टू के बाद का नंबर, ये भी तुमको आता है, आता है, बताएंगे तुम लोग? चलो इंडिविजुअली भी सब लोग एक एक डीडी सॉल्व करो, कौन सॉल्व करेगा इसको, सॉल्व करेगा नाम, शुभम ट्राई करेगा, शुभम शुभम पहले ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं बोल, 30 करेक्ट, ये आ गया 30 करेक्ट है ना, आगे बोल शुभम, आगे बोल, माइनस करेक्ट, बोलने का डरने का नहीं आंसर, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, बोल साइन देख, साइन -20 करेक्ट, बोलो सही है क्या, सही है ना भाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 + 20 आंसर 50, dx भी आ गया, कितने स्टेप्स है टोटल, ये 3 marks के लिए एग्जाम में आएगा, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें 3 marks वाले सम्स होते हैं, ये 3 marks का सम है और सबसे ईजी है, लेंदी और ईजी है, इतना बताया मैंने, चलो 2 steps हो गए, थर्ड स्टेप, 3 steps तक थोड़ा सा लेंदी, उसके बाद बहुत ईजी, step 3 डी निकाला, डी से क्या निकाला, अब बोलो क्या निकालो, डी वाई, डी वाई भी डी से बनेगा, याद रहेगा, डी एक्स रहने दो, डी वाई रहने दो, डी से ही बनाओ, ऐसा नहीं करना, डी वाई को डी एक्स से बनाते, नहीं, डी वाई भी डी से बनेगा, डी एक्स भी डी से ही बनेगा, क्लियर है? चलो अब अगर मैंने डी वाई लिखा है, तुमको क्या लगता है, डी वाई लिखा तो क्या डिलीट करूं, ये डिलीट करोगे -4, 3 यहां से डिलीट करोगे, डी से डिलीट करो, डी को यूज करो, गलती से इसका यूज नहीं कर देना, इधर आओ, क्या डिलीट कर दूं, -4, 3 गया, ये वाई गया, बाकी बताओ क्या क्या है, 3, अच्छा डिलीट करने के बाद लिखू क्या फिर यहाँ पे, इक्वल टू के बाद का नंबर, बोलो 10 और समझ रहे ना, ये तो अपने को आता ही है, अभी कोई दूसरा बोले, कौन बोलेगा, नाम राज करेगा, राज सॉल्व करेगा, राज बोल, 15 ओके, माइनस 40 ठीक है, बोलो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, याद है ना माइनस में आंसर आने वाला कन्फर्म, बोलो भाई बोलो फटाफट, -25 ये भी आ गया, समझ रहे, स्टेप्स याद है, डी डी एक्स डी वाई, 3 याद है हमको, आगे बढ़ते हैं, कितना स्टेप बताया था मैंने, आगे का 2 steps बहुत ईजी है, 4th step सुनो, याद है हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व किए थे, साई ध्यान दे, जब हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था तो याद है अल्टीमेटली मैं x निकालता था, फिर उसको बॉक्स करता था, फिर मैं वैल्यू पुट करके y निकालता था, यहाँ भी ये सब कुछ करने के बाद भी x और y निकालेंगे, सुनो इधर देखो, x, x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, याद रहेगा पैटर्न है उसमें, x निकालना है तो dx को d से डिवाइड किया, अगर समझो इनकेस 5th step में मुझे y निकालना रहा तो मैं किसको डिवाइड करूं, डी y अपॉन, नहीं समझा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान दे रहे, क्या हुआ कुछ डाउट है, हाँ कैमरा चालू तो है, चलो 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 इधर देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं, इधर देखो, हाँ x और y क्लियर है, फॉर्मूला याद है, बोलो x का फॉर्मूला dx अपॉन d, y का फॉर्मूला टफ है क्या, हाइट करने के लिए 5 के 5 स्टेप्स याद है, जल्दी जल्दी रिपीट करो, फर्स्ट स्टेप डी डी एक्स डी वाई एक्स वाई, एक मिनट फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट करो, चलो डी एक्स का वैल्यू ढूंढो, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स किधर, डी एक्स कितना 50, डी डी ढूंढो, डी डी किधर गया, डी 25 डबल है ना डायरेक्ट, बोलो आंसर कितना आ गया 2, चलो डी वाई ढूंढो, डी वाई, डी वाई कहाँ है, डी वाई -25 और डी वाई कीजिए, डी 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 का फॉर्मूला डी आंसर, आंसर कितना डी कितना 25 कट आंसर -1 हो गया, देयरफॉर एक्स एक्स कितना 2 आया, एक्स का वैल्यू 2 आया ना तुम्हारे पास, एंड वाई का वैल्यू बताओ, वाई का वैल्यू हो गया, सम खत्म, इजी है ना एकदम, पैटर्न याद रहेगा डी डी एक्स डी वाई एक्स वाई खत्म, 5 स्टेप्स थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ईजी है, कर सकते हो आराम से तुम लोग,
सबके सब सम ऐसे ही है, सबके सब सम। लेकिन एक ये सम सम को पहचानने का एक तरीका, सुनो सुनो, एक गड़बड़ हो सकता है तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन में ना। ये दिख रहा है ये 10, ये तुमको अंदर दिया रहेगा, इक्वल टू के बाद 0 दिया रहेगा। समझो ऐसा कुछ दिया है 3x - 4y - 10 = 0, तुमको क्लिक हो जाना चाहिए भाई हमको d के लिए तो सिर्फ इसका जरूरत है। ये नंबर कहाँ होना चाहिए एक्चुअल में? इक्वल टू के बाद। तो तुम भेजो खुद से वहां पे उसको, समझ रहे हैं? ये तुम्हारा काम रहेगा कि तुम नंबर नंबर हमेशा इक्वल टू के बाद होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो ये बात पे ध्यान देना। चलो बाकी आ जाएगा तुमको, जल्दी फटाफट लिखो तो मैं आगे बढ़ूं। जिसका हो जाएगा आगे ट्राई करो, क्योंकि इजी है मैथ्स, उसको आता है जो खुद से ट्राई करता है। देख के आज तक किसी को मैथ्स नहीं आया, देख के तुम लिख सकते हो, कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स आने के लिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 में 5 सम्स थे, एक मैंने करा दिए, अभी सेकंड करेंगे। तुम फटाफट लिखना, ट्राई करो, लिख रहे हो तो एकदम फास्ट फास्ट लिखो। ये अब नेक्स्ट वाले सम से याद है कैसा पैटर्न रहेगा? मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करोगे तुम लोग, क्योंकि आ गया ना ट्रिक, समझ में आ गया तुमको, तो मेरे साथ करोगे। अभी नेक्स्ट सम मैं तुमसे पूछते भी रहूंगा, आंसर भी देने का, लिखने का भी, दोनों काम करने का। आंसर तो चेक करो पीछे, राइट है रॉन्ग है, आंसर तो चेक करो, 2 और -1। एक मिनट, तुमको याद है मैंने आंसर चेक करने का शॉर्टकट भी बनाया था उस दिन? चलो याद है, कोई भी इक्वेशन उठा लो, बोलो कोई, फर्स्ट लेते फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान इधर, ध्यान फर्स्ट क्या, सेकंड, सेकंड तो सेकंड। चलो x का वैल्यू क्या है? 2 डालो, 4 2 8, ठीक है। y का वैल्यू -3 × -1 -3, 8 - 3 आ गया, राइट आंसर है, राइट है ना? चेक कर लो, पुट करके देख लो, तुम्हारी मर्जी। समझा ना कैसे कराया? नॉर्मल था एकदम। चलो कर दो जल्दी, सब सम वैसे ही है, एक्सरसाइज खत्म हो गया समझ लो, क्योंकि सबके सब सम तो वैसे ही, अभी सिर्फ कराना है मुझे और क्या। फर्स्ट सम हो जाएगा तो बोलना, तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट। सबका हो गया, कंप्लीट कर लो, जिसका रह गया वो लास्ट में तुम स्टेटमेंट लिखते हो ना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। ध्यान देते रहो, माइनस वन, ओके। जल्दी कंप्लीट करो तो मैं सेकंड पे चलूं। सेकंड देखो इजी है, हार्ड है कैसा देखो जरा, कोई नंबर्स यहाँ आए कि बराबर है, सिस्टमेटिक है? हाँ तो फिर ठीक है, पहले बता दिया ना मैंने तुमको नंबर्स कहाँ चाहिए हमको, इक्वल टू के राइट साइड में ना। चलो बनाते हैं फिर, लिखूँ क्वेश्चन में, कोई लिख रहा है? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ। जिसका हो गया वो क्वेश्चन 2 का ट्राई करो, नंबर्स RHS में ले जाओ, नंबर्स इक्वल टू के राइट साइड में होने चाहिए। तब तक डी डी एक्स डी वाई ये सब बना के रखो। चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि इक्वेशन का यूज तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर होता तो मैं नाम दे देता था। जैसे हम लोग पुट करते ना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 का यूज ही नहीं किया मैंने, इसलिए मैंने नाम भी नहीं दिया। चलता है क्या? हाँ हाँ हाँ, चलेगा ना। अब चालू कर डी डी एक्स डी वाई। हाँ वो टाइम मत देखो, टाइम मत देखो, आने का टाइम होता है, जाने का टाइम मेरे हिसाब से। चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, अभी है थोड़ा, एक दो सम और कराऊँ, कितना है ना? एक और करेंगे, एक और करेंगे हम लोग, फिर बस जा सकते हैं, एक और कराऊँगा। सेकंड तुमको ऑलरेडी आता है ना, एक और सम करेंगे, क्योंकि हम लोग वैसे समझ गए तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, तुम खुद से भी कर सकते हो सम, लेकिन मैं हर एक सम कराऊँगा तुमको जितना भी है। तुम घर पे जैसे मैंने ट्रिक तुमको जैसा ट्रिक बताया, ये ट्रिक से 5 स्टेप सॉल्व करो, फटाफट आंसर आ जाएगा सब। चलो मैं स्टार्ट कर दूँ, मेरे को लगता है हो गया, इतना टाइम काफ़ी है सबके लिए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट सम ऑफ द डे, सेकंड सम। चलो इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास? 4x, याद है ना, मैं साइड बाय साइड लिखूँ क्या वर्टिकल लिखूँ? साइड बाय साइड, भाई ऐसा नहीं बताया था मैंने तुमको, वर्टिकल होता है। 6x = अरे भाई इसमें तो बहुत गड़बड़ है, 6x = 8 - 5y। ओके ध्यान ध्यान सबका, इधर इधर देखो, सीधा बैठ जा, अच्छे से बैठ।
3x + 4x + 3y = -4 = 0, 6x = 8 - 5y, ठीक है। पहले मैं इसको सिस्टमेटिक बनाऊँ, उसके बाद तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। ध्यान दो, ध्यान ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पर। इधर देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या गड़बड़ लग रहा है तुमको बताओ जरा, क्या गड़बड़ है? -4, वो तुमको मालूम है, क्या करूँ, लेके जाऊँ वहाँ पे, क्या बन जाएगा? चलो रिपीट करो, बोलो स्टेटमेंट, फिर क्या आएगा बोलो? 4x + 3y = चलो ये हो गया, कोई टेंशन नहीं। अभी नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन यहाँ देखो, क्या जो 6x है ये तो तुम्हारे काम का है, x के साथ क्या चाहिए था? और y भी तो चाहिए, लेकिन y तो RHS में दिया है, अंदर ले आऊं? अंदर लेके आ जाओ, मुझे इसका जरूरत LHS में। यहाँ का -5y वहां गया तो +5y, और क्या बच गया RHS में? 8 बन गया हमारा इक्वेशन। अब प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर है ना। चलो स्टार्ट, स्टेप वन सबको याद है? डी। चलो डी के कोएफिशिएंट्स बताओ जल्दी जल्दी। एक मिनट, मैं पूछूंगा, जिसको जम रहा है वो खुद से आगे प्रोसीड करते रहो, कोई टेंशन नहीं। पूछो सौरभ, डी का कोएफिशिएंट्स फटाफट याद है, कैसा करते थे याद है क्या? भूल गया। ये देख, ये दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसको देख के लिखने का, इसको इस, ये हमारे मेरे लिए क्वेश्चन ये है, बराबर? हाँ बोल। 4 6 ऐसा 4 6, और बोल आगे, बोल राइट, बोल रहा है, बोल 3 5 करेक्ट है। चेक करो, तुम्हारा भी यही है क्या डिटरमिनेंट? चेक कर लो, इसके बाद आता है क्या करू? पहले ऐसा करो ना, बोलो 4 5 जा क्या लिखा है तुमने? 20। ओके 20, फिर माइनस तुमने क्या लिखा? 6 3 जा, सबको आ रहा है ना? 6 3 जा 18, चलो 20 - 18 2 हो गया, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 क्या लिखो बोलो? dx, कोई बताएगा? dx वो हो गया ना, हाँ नेक्स्ट निहारिका, नेक्स्ट dx 4 हाँ 8 3 5, चेक करो क्या ये राइट है? अरे dx बोला था मैंने तो करेक्ट किया, dx d से बनता है ना, तो मैंने ये x वाला पार्ट डिलीट कर दिया, और जो डिलीटेड वाला पार्ट है उसके जगह पे मैंने इक्वल टू का नंबर लिखा है 4 8, करेक्ट है ना? चलो सॉल्व करेंगे आगे, नेक्स्ट दिव्या सॉल्व करेंगे। ऐसा पहले 20, ओके माइनस ये 24 ना, करेक्ट है ना? करेक्ट बोलो भाई, राइट है, चलो आंसर बोलो। 20 - 24, साइन देख लेना, साइन छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो रहा है, बोलो -4 ना, 20 - 24 -4, करेक्ट है। थर्ड स्टेप, नेक्स्ट आगे आगे वैष्णवी, नेक्स्ट dy इज इक्वल टू, बोल y डिलीट कर देंगे। अच्छा dy d से बनाएंगे, ध्यान नहीं दे रहे वॉइस आ रहा है ना बराबर? dy बनाएंगे d से, हाँ तो मैं y डिलीट कर दिया, और y के जगह बोलो क्या लिखूं फिर मैं? इक्वल टू का नंबर ना, 4 और 8, और यहाँ क्या लिखूं? ये तुम d से देख के लिखो, d को देखो लिखो, बोलो क्या? 4 और 6, चलो आगे मल्टीप्लिकेशन बाजू में, नेक्स्ट भूमि ना, भूमि नहीं, हाँ चलो मल्टीप्लाई करो, 32 माइनस ये ऐसा क्रॉस 24 बाजू में, आंसर नेक्स्ट आंसर, हाँ बोलो बोलो 8 करेक्ट, 8 ना, 8 राइट ना, 8 है ना भाई, चेक करो सबका आंसर यही आ रहा है, 32 - 24 8 करेक्ट है। तो ये तो हो गया फोर्थ स्टेप, और कौन कहाँ था आगे? नेक्स्ट फोर्थ स्टेप dx अपॉन d, चलो बॉयज से आंसर लेते हैं अभी कुछ, पीछे गौरव, dx और d का वैल्यू पुट करने का है जल्दी, dx कितना देख, dx dx माइनस 4 d 2 कट कर, बोलने तो वो करेगा वो, हाँ 2 1 जा 2 2 जा आंसर कितना? -2 करेक्ट आंसर है, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप कौन बोलेगा? साई फॉर्मूला, x हो गया, अभी उसके बाद क्या निकालते हैं? y फॉर्मूला बोल, आवाज नहीं, हाँ dy अपॉन d करेक्ट, dy अपॉन d बोलने का राइट आ रहा है dy और d का वैल्यू पुट करेंगे, बोल dy का वैल्यू ढूंढ, dy 8 d 2 कट भी तू ही करेगा जल्दी, बोलने तो हाँ 2 1 जा, दूसरे का नहीं सुनने का, अपना खुद का दिमाग लगा, 2 1 जा 2 4 जा आंसर कितना आया? 4। तो x एंड y राइट है या रॉन्ग ये भी चेक करेंगे हम लोग,
चलो x का वैल्यू माइनस टू और y का वैल्यू फोर, कोई भी इजी इक्वेशन यहाँ पे डाल देते हैं। अगर मैं x के पे माइनस टू डालूं तो फोर इंटू माइनस टू बोलो कितना होता है, माइनस एट, प्लस y का वैल्यू कितना है, फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस एट तो फोर ही होता है। करेक्ट आंसर एकदम सही है ना, एकदम सही आंसर है। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y आर, क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, x का वैल्यू माइनस टू है एंड y का वैल्यू मेरे पास है फोर, हो गया ना, समझा। जितना मैंने ट्रिक तुमको सिखाया इसके हिसाब से मेरे को लगता है तुम वो पूरा अखा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हो। तुमको जमता रहेगा तुम घर पे कंप्लीट करो, बाकी कल तो मैं फिर से इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, वैसे तुम्हारा टाइम हो गया इसके लिए, चलेगा, समझा है, समझो एक्सरसाइज हो चुका है हमारा, कोई टेंशन नहीं। तुम घर पे ट्राई करोगे आगे के सम्स कर सकते हैं ना, हाँ मैं भी कराऊंगा, बट तुम अपने तरफ से प्रिपेयर हो क्या हो, मैं कल कराऊंगा वैसे भी आगे। ओके चलो न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन टू का थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, थर्ड हो गया है, सॉरी क्वेश्चन थ्री का थ्री ना, क्वेश्चन थ्री का थ्री, चलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन थ्री, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ऐसा दो इक्वेशन हमको दिए और स्टेप्स तुमको ऑलरेडी याद है ना। क्वेश्चन से एक बार चेक कर लो, राइट क्वेश्चन लिखा है मैंने, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, करेक्ट है, चलो स्टार्ट करना है। चलो स्टेप्स बोलेंगे तुम लोग, याद है ना, थोड़ा एक्टिव रहो थोड़ा, चलो तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन एक एक स्टेप तुम लोग बताते जाओ मुझे। फर्स्ट कौन बोलेगा कहाँ से, हाँ सब सब लोग स्टार्टिंग में सब लोग बोलो, फिर धीरे धीरे मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। डी ना, डी याद है, डी में क्या लिखते हैं, हाँ याद है ना, ये नंबर्स लिखते हैं ना, अब यहाँ पे एक्स के बाजू में कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वन है, बोलो बोलो, वन टू टू माइनस थ्री साइन के साथ, करेक्ट है। क्रॉस याद है, पहला क्रॉस कैसा, पहला क्रॉस ऐसा, बोलो बोलो माइनस थ्री, ये फिर माइनस खुद से करते हैं, फिर ऐसा बोलो, क्लियर ना, तो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस ऑफ सेवन, बड़े नंबर का साइन आता ना माइनस, ये मालूम है ना ये सब चीज़, हाँ। सेकेंड ये हुआ डी, ये डी का वैल्यू ऐसा निकालते हैं ना, डी निकालते हैं, डी के बाद बोलो क्या निकालते हैं, डी एक्स, चलो डी एक्स निकालता हूँ। तो तुमको याद रहेगा जब मैं डी एक्स बोलता हूँ तो मैं एक्चुअल में एक्स का टर्म डिलीट कर देता हूँ, अच्छा डी एक्स पहली बात तो डी से बनता है, सबको याद है, डी को देख के मैं डी एक्स बनाऊंगा, और तुम लोग ऐसा क्रॉस नहीं करना, तुमको समझाने के लिए था खाली, बस ओवर है बीच में, उसको क्रॉस तुम नहीं करना, ये तुम क्रॉस नहीं करोगे इसको, चलो हाँ। तो डी एक्स जो है वो मैं डी को देख के बताऊँ, ये दिख रहा है, ये एक्स का पार्ट है ना, और ये किसका पार्ट है, क्योंकि डी एक्स है तो एक्स का पार्ट डिलीट कर देंगे बराबर, और जो डिलीटेड पार्ट, मतलब देखो एक्स का पार्ट डिलीट करो बाकी लिख दो, बाकी मीन्स क्या है टू और माइनस थ्री, ये लिख दो, हाँ तो जो डिलीटेड पार्ट है उसके जगह पे क्या आएगा, इक्वल टू के बाद का नंबर, बोलो इक्वल टू के बाद नेक्स्ट में नंबर क्या है, माइनस वन ट्वेल्व, क्रॉस करने आएगा, बोलेंगे। चलो मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ, क्रॉस तो स्लैंट, पहला क्रॉस ऐसा रहेगा स्लैंट में, फिर माइनस ऐसा क्रॉस, क्लियर है, बोलेंगे फटाफट, स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं वहाँ से, क्या नाम है, नाम नाम लास्ट, हाँ संदेश, संदेश से स्टार्ट कर, संदेश ये मल्टीप्लाई कर, पहले मल्टीप्लाई कर, बोल चलेगा बोल, माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो, चलो बाकी लोग नहीं आए बोल दे रहे, चलो बोलो बोलो, माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, माइनस थ्री नहीं आएगा थ्री आएगा, बराबर मालूम है ना सबको, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो एक बार, माइनस वन ऐसा ना, माइनस वन इंटू माइनस थ्री ऐसा लिखने वाले ना, पहले ये, फिर हम लोग खुद से माइनस साइन डालते हैं, फिर ये बोलो कितना, ये तो डायरेक्ट लिख दो, ट्वेल्व इंटू टू कितना 24 डायरेक्ट, अच्छा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है सबको मालूम है, और तो थ्री वंजा कितना आ जाएगा थ्री, और ये माइनस में 24, चलो बताओ थ्री याद है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर माइनस में आंसर आएगा, बोलो कितना, माइनस ऑफ 21, करेक्ट डी एक्स। नेक्स्ट थर्ड अब क्या बनाओ बोलो, डी वाई, डी वाई भी डी को देख के बनता है बराबर, जैसे मैंने x बोला तो मैंने x का पार्ट डिलीट करके उसके जगह इक्वल टू के नंबर्स लिख दिए थे देखो यहाँ पे, और बाकी एज इट इज है, तो डी वाई भी बोलो किससे बनने वाला है, डी वाई भी किससे बनाऊँ मैं, डी से ही बनाऊँ ना, तो डी से मैं डी को देख के डी वाई बनाने वाला हूँ, तो y वाला टर्म डिलीट कर दूँ ना, बाकी लिख देते हैं हम लोग, बाकी चलेगा, y बोला तो y का टर्म डिलीट कर दो, अब y के जगह बोलो लिखू क्या, जो डिलीटेड टर्म है उसके जगह पे इक्वल टू के बाद वाला नंबर, नेक्स्ट वाला नंबर माइनस वन एंड ट्वेल्व, क्या ये क्लियर है ना सबको, चलो बाकी वही अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. गौरव गौरव स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लाई बोल पहले, क्या मल्टीप्लाई करेगा? नहीं गौरव एक जिसका नाम बोला वही बोलेगा. हाँ 12 करेक्ट है, बाकी लोग चेक कर लो सही किया ना. इसने ऐसा मल्टीप्लाई किया ना, ऐसा ऐसे करते हैं ना पहले मल्टीप्लीकेशन. हाँ ये ऐसा करते हैं फिर माइनस साइन डालते हैं, याद है ना? ठीक है बाजू में शुभम ना, शुभम ट्राई कर. ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर. हाँ 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और माइनस साइन रह जाएगा ना वहाँ पे, तो बोलो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2 सही है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. आदर्श सॉल्व करना है, माइनस माइनस पहले ही बता दे. तो मैं 12 + 2 लिख दूँ? बोल फाइनल आंसर 14. क्या ये क्लियर है? तो मैंने d निकाला है, dx निकाला है, इसको इक्वल टू नहीं डालते हैं, d dx और dy रेडी है मेरे पास, सही है? ऐसे था ना. फोर्थ स्टेप बोलो, फोर्थ स्टेप क्या होता है? x फॉर्मूला सबको याद है, x इज इक्वल टू dx बाय d. अच्छा ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम लोग वैसे? क्रेमर्स रूल, याद होना चाहिए ना. ओके राइट है. चलो तो dx का वैल्यू ढूंढो जरा. dx का वैल्यू ऑफ dx इज माइनस ऑफ 21 अपॉन वैल्यू ऑफ d माइनस ऑफ 7. चलो रुको पूछता हूँ, तुमको आना चाहिए कैलकुलेशन. तू बोलेगा रुद्राक्ष, बोल पहले क्या करें? वही बोलेगा, ट्राई कर. हाँ माइनस और माइनस देख वहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो जाएगा ये पहली बात. हाँ अब बता और आगे बता, सोच 7 में आता है 21. हाँ बोल कितना? 3 जा, करेक्ट आंसर है. 7 1 7 3 जा, तो बोलो आंसर कितना आ गया? 3. ट्राई करो, रॉन्ग आया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा ना. ट्राई करना लेकिन जरूरी है. तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया. फिफ्थ स्टेप ट्राई करेगा. नेक्स्ट फॉर्मूला याद है? बोल नेक्स्ट वाई का फॉर्मूला. हाँ डी वाई, करेक्ट डी वाई, हाँ अपॉन डी, करेक्ट है. चलो वैल्यू भी देख ले, वैल्यू तू ही सॉल्व करेगा पूरा. डी वाई ढूंढ, डी वाई आएगा आएगा ढूंढ. 14 करेक्ट, डी वाई इज इक्वल टू 14. डी बोलो मत बोलना नहीं. -7 ठीक है, कट कर. 2 से जाएगा 1 जा और ये 2 जा, लेकिन ध्यान दो वहाँ पे एक साइन भी बचा है ना, तो -2 मिल गया आंसर. देयरफोर वैल्यू ऑफ x एंड y आर, बोलो क्या क्या वैल्यू है? 3 एंड -2 करेक्ट है. बोलो चलो चेक कर लेते एक बार, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. याद है हम हमारा आंसर चेक भी कर सकते हैं राइट है रॉन्ग है. x का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 3 ना, तो 1 3 का कितना? 3 हो जाएगा यहाँ पे. +2 × y का वैल्यू देखो मेरे पास क्या है, y का वैल्यू है -2. जरा सॉल्व करो उसको. 2 × -2 कितना होता है? बोलो कितना होता है? -4. 3 − 4 -1. देखो बराबर -1 लिखा है, आंसर राइट है एकदम. चलो फटाफट लिख दो. समझा रहा तुमको, अरे भाई ये पहले सिखा चुका हूँ मैं तुमको, अब मैं जस्ट खाली सम कंप्लीट कर रहा हूँ बस. चलो फटाफट लिखो, जिसका हो जाएगा तो मेरे को बोलना, मैं नेक्स्ट सम पे जाऊँगा. सिस्टमैटिक है, 10th स्टैंडर्ड है, रिस्क नहीं ले सकते. एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से पूरा समझो. कुछ भी ऐसा लग रहा है तुमको, मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर करो, बोलो कि सर ये नहीं समझा, मैं उधर क्लियर फिर से बोलूँगा एक बार तुमको. सब सम वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं है. जैसा मैंने ये ट्रिक लगाया है उस दिन भी बोला था, जैसा मैंने फर्स्ट सम करूंगा एंड तक हर एक सम वैसा ही है. बस छोटा सा छोटा मोटा कैलकुलेशन आना चाहिए, वो साल भर में तुमसे पूछ पूछ के तुम्हारा वैसे भी कैलकुलेशन इंप्रूव कर ही दूंगा. बराबर हर बार पूछूंगा लेक्चर में, तो आएगा आते आते जाते जाते तुमको सब पूरा कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा. फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए. चलो चलो आगे बढ़ो. हो गया, थोड़ा बहुत मेरे साथ लिखोगे चलेगा. जिसको लग रहा है हाँ हमको जम रहा है, हम लिख सकते हैं ऐसा साथ में पैरेलली लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ समझ के लिखो, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट देख के छापना नहीं है. जिसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे रेडी रहना. 6 तक कराऊंगा बस, 4 ही क्वेश्चन मुझे कराना है. नॉर्मल लेवल है, मुझे लगता है तुम भी कर सकते हो ये सम को ना, और खुद से करते भी रहेंगे मेरे साथ पैरेलली. अगर तुमको लग रहा है मैं खुद से भी ये सम कर सकता हूँ, कर सकते हो, तो खुद से आगे प्रोसीड करते रहो, कहीं अटके तो यहाँ पे देखना. बाकी मैं स्टेप्स एकदम क्लियर करते चलूंगा तुमको. चलो मुझे लगता है हो गया, इतना टाइम काफ़ी है. लिख दिया है क्या? कुछ बाकी है? कुछ रह गया तो बोलो, थोड़ा रुकता हूँ मैं. हो गया सबने लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 to 3 मिनट्स, तो उसमें कंप्लीट कर लो. चलो स्लाइड चेंज, कोई लिख रहा है तो बोलो मेरे को थोड़ी देर. हो गया संदेश हुआ लिख के? लिख रहा है क्या? हो गया चेंज करो स्लाइड. चलो स्लाइड चेंज, क्वेश्चन नंबर. वैसे मैं तुमको ग्रुप में भेज देता हूँ ना, तुम लोग घर पे अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तुम घर से भी लिख सकते हो. लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में भेजा था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन 4 ध्यान दो. क्वेश्चन 4 6x − 4y = −12 8x
माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, चेक कर लो मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है, सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वेल्व, एट एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, चलो राइट है, स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक हो गया ना, नेक्स्ट ध्रुव फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन d इज इक्वल टू, बाकी लोग ध्यान देना क्योंकि तुम्हारा भी टाइम आएगा, मैं रैंडमली पूछूंगा तुमको आना चाहिए, हाँ d इज इक्वल टू, बोल d इज इक्वल टू, हाँ अपॉन नहीं होता है, हाँ सिक्स सिक्स एट, तुमको समझ में आता ना सिक्स एट पहले क्यों लिखा, वो x के कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ नेक्स्ट माइनस फोर माइनस थ्री, करेक्ट है बोलो भाई, राइट है, कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट राज, राज ने नहीं, शुभम शुभम कैलकुलेशन करना है, स्टार्ट माइनस राइट है, चेक करो, याद है सिक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट ही नहीं आएगा, करेक्ट, ये माइनस खुद से, हाँ तू सही, माइनस ऑफ थर्टी टू ना, माइनस ऑफ, घाई नहीं करना सिस्टमेटिक, देखो बहुत सारे माइनस साइन आ रहे हैं, कभी भी अगर दो नंबर्स के बीच में दो माइनस साइन दिखे तो पहले एक स्टेप यूज करो और उसको प्लस डालो, डायरेक्ट घाई घाई मत करो, बोलो क्या लिखोगे, बोलो माइनस ऑफ एटीन आगे प्लस थर्टी टू, करेक्ट, अब माइनस प्लस कर लो, माइनस थर्टी टू और एटीन का माइनस करो 14 और बड़े नंबर का साइन भी देख लो प्लस, तो 14 आंसर है तुम्हारा डी का, सही एकदम सिस्टम है, एकदम स्लो जाने, कोई टेंशन नहीं, सेकंड स्टेप डी एक्स, चलो नेक्स्ट कहाँ तक आ गए थे, यहाँ हो गया, नेक्स्ट डी एक्स, डी एक्स किससे बनाते पहले तो ये बता, राज ना राज, डी एक्स किससे बनाएंगे, डी से डी को यूज करके डी एक्स बनाते हैं, करेक्ट, बोल कैसे बनाएंगे, एक्स को डिलीट कर दूँ तो एक्स को अगर मैं डिलीट करूँ तो उसकी जगह पर क्या लिखूँ, इक्वल टू के बाद का नंबर बोल, माइनस ऑफ ट्वेल्व, करेक्ट, माइनस टू, बाकी दो जगह पे माइनस फोर, हाँ करेक्ट बोला, बताओ इसने, चेक करो सही है ना, सही जा रहा है, सही जा रहा है एकदम, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कौन है, यश यश मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट, नहीं माइनस ट्वेल्व को माइनस, तुमको मालूम है ना माइनस में ऐसा नहीं होता, तुम सोचोगे माइनस ट्वेल्व माइनस थर्ट, तुम अरे माइनस माइनस तो नहीं, माइनस थ्री था ना ये, देखो तो ये कन्फ्यूजन आता है तुमको, वो है वैलिड कन्फ्यूजन, सुनो तुम लोग सोचते हो माइनस माइनस प्लस होता है ठीक है, फिर तुम सारे बड़े नंबर का साइन भी डालते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ ऐड में होता है प्लस करने के टाइम, समझा, इस टाइम पे बड़े नंबर का साइन नहीं देखते, मल्टीप्लीकेशन में नहीं देखते हैं, बोलो माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री कितना, 12 थ्री जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ साइन नहीं देखते हम, ओके नेक्स्ट माइनस आगे यहाँ, हाँ वैष्णवी ये माइनस मैंने डाला, इसके बाद मैं फिर से माइनस एट लिखूँ कि एट एट, ओके करेक्ट है बोलो, हाँ चलो माइनस माइनस करो, माइनस 20 नहीं 28 करेक्ट, तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा 28, चेक करो तुम्हारा भी यही आंसर है सही ना 28, तो dx हो गया, नेक्स्ट मैं स्टेप थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सबसे पूछना है कि सबको आ रहा है कि नहीं, नेक्स्ट dy किसका टर्न है, dy कौन है अभी, dy अंजलि dy 6 8 ओके आगे माइनस 12 माइनस 2 करेक्ट है ना, ध्यान देते रहो तुम्हारा टर्न आएगा तुमको बोलना है, ओके आगे मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 ना, तुमको समझ में आ रहा है माइनस 12 क्यों लिखा है मैंने, ध्यान देते रहो 6 इंटू माइनस टू इज माइनस 12 माइनस आगे आगे हाँ हाँ बोलो बोलो ट्राई करो बोलो बाकी लोग बोलो चलो माइनस में ये माइनस को छोड़ के तुम बोल रहे हो हाँ इसको छोड़ के करेक्ट माइनस ऑफ 96 करेक्ट है याद है मैंने ऐसा इसमें कुछ तो स्टेप बोला घाई नहीं करना है सॉल्व करो उसको हाँ नेक्स्ट दिव्या बोलो स्टेप माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 96 कर लो माइनस प्लस क्या होता है कर लो 96 और 12 का माइनस करो बड़े नंबर का साइन देख के बताओ कितना माइनस माइनस कैसे आएगा प्लस में आएगा ना बड़ा नंबर देखो 96 ना तो बोलो आंसर बोलो 84 प्लस में प्लस ना करेक्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आगे बढ़ते हैं हाँ नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर एक्स हाँ डी एक्स अपॉन डी करेक्ट चलो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व भी तुम करोगे हाँ डी एक्स हाँ 28 अपॉन 14 हाँ सॉल्व करो वन ज़ा टू ज़ा आंसर टू ना ओके नेक्स्ट फिफ्थ पीछे और कौन है प्रिंस हाँ फॉर्मूला बोल फॉर्मूला फॉर वाई वाई इज इक्वल टू हाँ
अपॉन डी, करेक्ट, चलो बाजू में यश यश, डी वाई और डी का वैल्यू पुट करेंगे और कट करके आंसर निकालेंगे, बोल वैल्यू डालना है फटाफट, डी वाई ढूंढ, डी वाई यहीं पे किधर है, डी वाई का वैल्यू 84, करेक्ट 84, डी 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 14, बोलो क्या करना है, डायरेक्ट कट होगा, कट होता है, 6 ज़्यादा 14 वंजा होता है, तो 14 वंजा 14 कितना 6 है, बोलो आंसर कितना आ गया वाई का 6, याद है मैंने तुमको ये भी ट्रिक सिखाया कि चेक करना आंसर तुम्हारा राइट है या रॉन्ग है, चलो एक बार चेक कर लेते हो, तुम तुम्हारे वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डालो, उसका LHS का वैल्यू उसके अगर RHS के वैल्यू से मैच कर जाए, हेंस प्रूफ, मतलब राइट आंसर है, तो मैं x के जगह 2 डाल के रफली देख लेता हूँ, 6 2 कितना हो जाएगा 12, माइनस y के जगह हम पुट करते कितना 6 ना, तो 4 6 24, 12 - 24 करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर है, बोलो सही है, राइट आंसर, चलो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, जो भी है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y आर 2 एंड 6, x और y का वैल्यू है 2 एंड 6, समझ में आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है, तुम ही तो मुझे आंसर दे रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ पूछ के कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, करेक्ट है ना, चेक कर लो क्वेश्चन राइट लिखा है मैंने, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर दोगे तुमसे ही पूछूंगा मैं आंसर, संदेश स्टार्ट करते हैं, आंसर देना है बराबर, फर्स्ट स्टेप बोल, स्टेप 1 क्या बनाऊं, डी, करेक्ट, डी बताया करना तू, डी, डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ 4 3, करेक्ट, आगे, करेक्ट, आ गया 4 3 6 2, बोलो राइट है, करेक्ट है, आगे गौरव, गौरव सॉल्व करेगा, गौरव क्रॉस, करेक्ट, 8 राइट बोला तूने, माइनस 18, करेक्ट, बाजू में शुभम सॉल्व करना है, आगे 10 देख ले साइड छोटा माइनस, हाँ करेक्ट करेक्ट, माइनस ऑफ 10, बोलो सही है, सही जा रहे एकदम, ओके नेक्स्ट स्टेप 2 कौन बोलेगा, आगे नाम आदर्श, आदर्श आदर्श बोल रहा है, dx dx इज इक्वल टू, dx बनाते किससे पहले ये बता तू, अच्छा m में, करेक्ट करेक्ट, इस बार इक्वेशन m में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार dx के जगह पे dm लेते हैं, समझ में आ रहा है, m क्यों लेंगे, बोलो क्यों m लेंगे, इक्वेशन ही m और n में, जब इसके बाद यदि dy लिखता हूं मैं तो dy नहीं आएगा, अब क्या आएगा dn, क्योंकि इक्वेशन m और n में ऐसा चलता है, ओके dm बोलो, dm पहली बार तू d से बनाएगा, हाँ बोल, 54 करेक्ट, 28 आगे 6 और 2, करेक्ट है ना, चलो सॉल्व करेंगे, हाँ कर लो रुद्राक्ष मल्टीप्लाई, 54 का डबल 54 इंटू 2, 50 का डबल 100, 4 का डबल 8 108, करेक्ट 108 108, कर लो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 26 जा 120 तो 8 6 जा 24, 168 बराबर 168 बराबर किया ना तुमने, करेक्ट 168, चलो सॉल्व करेंगे, हाँ माइनस 60 सही ना, हाँ 10 छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आता है, माइनस ऑफ 60 करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट थर्ड, हाँ तू बताएगा नाम, श्रियांश बताएगा, श्रियांश नेक्स्ट, डी 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 एन बोलने दो, बोलने दो, वो एक ही जन बोलेगा, हाँ डी एन, डी एन इज इक्वल टू, डी एन को तू डी से बनाने वाला है, हाँ बोल, एन बोला तो एन को डिलीट मार के इक्वल टू का नंबर लिखेगा तू यहाँ पे, बाकी तो सेम ही रहेगा, पहले पहले क्या आएगा, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या आएगा, 4 और 3, पहले तो 4 और 3 आएगा, एन बोला तो एन डिलीट हो जाएगा ना, एन बसते नहीं, 4 3 और आगे 54 28 करेक्ट है, चलो आगे आगे ध्रुव क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 जा 80 होता है, 80 ना, और 8 4 जा कितना 32, 112 करेक्ट ना, 112 माइनस 54 का ट्रिपल 162 ना, 162 करेक्ट, 50 को 3 बार किया तो 150 और 4 3 12 162 करेक्ट है, 162 ये भी बहुत ईजी, रुक जाओ जाओ आगे आगे, नहीं नहीं इधर इधर, नेक्स्ट नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहा है, दिख रहा है डायरेक्ट, वो दिख रहा है माइनस ऑफ 50 करेक्ट है ना भाई, राइट जा रहे हैं, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कौन बोलेगा, साइश फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला करेक्ट, डी एम अपॉन
डी, सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, डीएम का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट करते चलो। डीएम का वैल्यू ऑफ डीएम इज -60 एंड वैल्यू ऑफ डी इज -10, माइनस माइनस कट, जीरो जीरो कट, आंसर इज 6 6 6 6 ना, 10 वन जा 10 सिक्स जा डायरेक्ट। फिफ्थ स्टेप एन, नेक्स्ट यश, नहीं नहीं राज, राज फॉर्मूला एन डी एन, हाँ अपॉन डी वैल्यू पुट कर चल, वैल्यू वैल्यू डी एन डी एन डी एन माइनस ऑफ 50 डी माइनस 10, सॉल्व करते हैं, यस सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट, 10 वन जा 10 फाइव जा, फाइव आंसर आ गया। क्रॉस चेक कर लो, तुम्हारा आंसर राइट है, तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है, ये है ना 6 एंड 5, चलिए तो पुट करके देख लेते हैं, 6 4 जा 24 और ये एन का वैल्यू कितना है 5 ना, 6 5 जा 30, 30 और 24 बराबर है 54, राइट आंसर आता है, करेक्ट आंसर है, लास्ट में लिख देना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर 6 एंड 5। लास्ट क्वेश्चन ना हो गया, समा खत्म हो गया, तो बहुत ईजी हो गया, मतलब ये पहले सिखा दिया हूँ मैं तुमको इसलिए, और कंटिन्यू हमेशा सब लोग लेक्चर में आओ, लेक्चर में छुट्टी में, आज मैथ्स का लेक्चर सर ने डाला था ना ग्रुप में, हाँ छुट्टी नहीं मारना है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ और टेस्ट तो देना ही भाई, टेस्ट ये मत सोचो कि तुमको कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, टेस्ट तुम्हारे एनालिसिस के लिए कि तुमको कितना आ रहा है उसके हिसाब से तुम तुम्हारे पे वर्क कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y by 2 इज इक्वल टू 1/2, ध्यान सबका यहाँ पर, इधर देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y by 2 इज इक्वल टू, देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन, या तो मैं एज इट इज वैल्यू लेके सॉल्व कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन इक्वेशन को इजी बनाओ और इजी को सॉल्व करो, क्या करूँ मैं इजी बना दूँ, इजी बनाते हैं, बहुत सिंपल है, दो ऑप्शन है मैथमेटिक्स में, अलग अलग ऑप्शन रहता है, या तो तुम याद है लास्ट टाइम जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो होल अपॉन कट, दूसरा ऑप्शन थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्या रहे इजी लगेगा, क्रॉस कर दूँ क्या करूँ, हाँ क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस इजी रहेगा, तो मैं ये वाले इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, चलो एक्स के अपॉन में कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 है, बोलो क्रॉस करो, बोलो कितना आएगा 2x माइनस 1y, 1y मीन्स y, द होल अपॉन 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 1/, चेक करो दोनों साइड होल अपॉन में सेम चीज़ है कि तुम्हारे पास क्या है, कट हो जाएगा ना फिर तो वो कट हो जाए, देयरफॉर द फाइनल इक्वेशन इज 2x माइनस y इज इक्वल टू, मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ये मेरे लिए इजी वाला इक्वेशन, बोलो सही चलेगा, चलेगा ठीक है, ये सब मैं तुमको दूँ तुम कर सकते हो, दिखा सकते हो क्या, टाइमर लगाता हूँ, कर लोगे ना, क्या है इसमें, मैंने पाँच सम कर दिया ऐसे ही, चलो स्टार्ट स्टार्ट, चलो डी स्टार्ट करो, डी निकालना, मैं भी करूँगा तुम भी निकालना, तुमको भी निकालना है, हम आंसर क्रॉस चेक करेंगे, हमारा आंसर मैच करता है क्या, स्टार्ट हो जाओ मेरे से आगे रहो, डी निकालना स्टार्ट कर दो, डी मैंने टाइमर लगाया, देखते हैं कितने कितने टाइम में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, तुम्हारा मतलब है, मैं तो समझाने के लिए हूँ तुमको, हाँ डी बोलते भी रहो और करते भी रहो, बोलो डी में तुमने क्या क्या लिखा है, वर्टिकली बोलो 2 2 2 ना 2 2 फिर 3 एंड 1 कैसे -1 ना, हाँ निकालो आंसर जल्दी और आंसर बताओ, देखते मैच करते हैं हमारा आंसर मैच करता है क्या, -2 -5 -7 बोलो कितना आंसर आया, -6 है, ओ सॉरी -8 हो जाएगा फिर तो ना, -8 -2 -6 -8 आएगा, चेक कर लो, हाँ माइनस है ना यहाँ पे, ये बीच में चेक करो टेस्ट में है ना -9 है ना, हाँ तो तुमने सॉल्व क्या रहेगा, -2 -6 -2 and -6 इज -8, चेक करो स्टेप 1 तुम्हारा राइट है, मतलब तुम्हारे बाद में करूँगा जिससे तुम क्रॉस चेक करो, मेरा देख के नहीं करना है किसी को, हो गया तो dx ट्राई करो, dx निकालना, dx का डिटरमिनेंट बताओ जरा किसने निकाला है, तो dx वैसे d से बनता है ना, डी से बनता है, तो मैं डी के एक्स वाले पार्ट को डिलीट करता हूँ 2 2 को, और बोलो क्या लिखूँ वहाँ पर, 3 माइनस, ओ भाई डी एक्स में 2 2 ना, इक्वल टू में 2 है और इक्वल टू में क्या है 1 ना, इक्वल टू के बाद के नंबर्स लिखते हैं और वो एज इट इज 3 एंड -1 एज इट इज ना, करेक्ट है, निकालो कितना आंसर आता है, -5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए, चेक करो -5 करेक्ट है, 2 × -1 इज -2 -3 -2 and -3 इज -5 करेक्ट है, चेक कर लो भाई, तो
तुम्हारा आंसर डीएक्स मैच कर रहा है मेरे आंसर से। चलो लास्ट नेक्स्ट स्टेप डीवाई, डीवाई सबको आता है डीवाई। चलो डीवाई का डिटरमिनेंट बताओ कोई मुझे, डीवाई का। वैसे डीवाई भी तो डी से ही बनेगा, तो वाई वाला पार्ट डिलीट करता हूँ एज इट इज, बाकी तो लिख देता हूँ। जो डिलीट करूँ बताओ वहाँ पे क्या लिखूँ मैं? हाँ, इक्वल टू के बाद का नंबर जो है टू एंड वन। चलो सॉल्व करो, बताओ मुझे इसका आंसर। कर दिया, ठीक है टू ना, पहले ऐसा करेंगे तो टू आएगा, टू माइनस फोर इज माइनस ऑफ टू। फाइनल कर दिए? हाँ, चेक करो तुम्हारा ये आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर से। थर्ड, तुम्हारा डी वाई क्या माइनस टू आया है, करेक्ट जा रहे हम लोग। सेकेंड लास्ट स्टेप एक्स, बोलो फॉर्मूला फॉर एक्स, डी एक्स अपॉन डी, वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ डी एक्स इज माइनस फाइव एंड वैल्यू ऑफ डी इज माइनस ऑफ एट, माइनस माइनस कट, फाइनल वैल्यू इज फाइव बाई एट। ये ना चेक करो तुम्हारा एक्स का आंसर फाइव बाई एट आता है, ये कुछ अलग आ रहा है, यही आ रहा है। ओके नेक्स्ट लास्ट है, वाई इज इक्वल टू, बोलो डी वाई अपॉन डी, ओके वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ डी वाई इज माइनस टू एंड वैल्यू ऑफ डी इज माइनस ऑफ एट, माइनस माइनस कट ना, टू वन जा टू फोर जा, फाइनल वैल्यू इज वन बाई फोर। चेक करो तुम्हारा आंसर, राइट पुट करना है, पुट करके भी देख सकते हो, ऐसे ही कर सकते हैं, फाइव टू जा टेन, टेन बाई एट प्लस थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर मीन्स सिक्स बाई एट, टेन बाई एट प्लस सिक्स बाई एट सिक्सटीन बाई एट, एट वन जा एट टू जा टू, आंसर करेक्ट, राइट आंसर है। चेक कर लो पीछे ही रहेगा आंसर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर फाइव बाई एट एंड वन बाई फोर, ये आंसर है, लिख लो जल्दी। कर लिया, हो गया फाइनल, मतलब तुम मेरा, मेरे को तो तीन मिनट लगा, तुमको तो शायद हो गए रहेंगे पहले, मेरे से पहले ही हो गया रहेगा। कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट। चेक करो और कोई एक्सरसाइज है क्या इसमें आगे, है ना एक फोर और दो है। हाँ ठीक, ग्राफ वाला एक कराऊंगा मैं, ग्राफ इतना कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं, एकदम नॉर्मल है वो, बहुत ज़्यादा ईजी है वो, कभी ग्राफ लाओ। इसके बाद क्या है 1.4 ना, ठीक है किसी दिन 1.4 कराऊंगा मैं तुमको, ये टाइम लगेगा इसमें 1.4, 1.4 में प्रॉपर 2 आवर्स का लेक्चर लगता है इसमें प्रॉपर, मैं एक दिन फुल लेक्चर लूँगा तो 1.4 कराऊंगा तुमको, फिर 1.5 भी है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इतना भी कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे ठीक है। चलो